फरीदाबाद में अखिल भारतीय युवक परिषद और तेरा पंथ युवक परिषद के द्वारा 17 सितंबर को वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर को देश भर के कई शहरों में 2000 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख यूनिट रक्तदान एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह रक्तदान 18 देशों में भी 36 रक्तदान शिविरों के माध्यम से आयोजन करने का लक्ष्य है। तेरा पंथ युवक परिषद के लोगों का कहना है कि 17 सितंबर को फरीदाबाद में तेरा पंथ भवन से 9 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और फरीदाबाद से 1500 यूनिट रक्तदान एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। तेरा पंथ युवक परिषद के प्रेसिडेंट विवेक कुमार ने बताया कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाता है। इस अभियान से लोग वंचित न रहें, इसलिए यह ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। विवेक ने बताया कि अभियान में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना सहयोग कर रही है। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद की देश में 350 शाखाएं हैं, जिनमें से एक संस्था फरीदाबाद में है। 17 सितंबर को फरीदाबाद में वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। लोगों से अपील है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और देश में ब्लड की कमी न हो, इसके लिए अभियान में अपना सहयोग करें। मेरा नाम विवेक बैद। विवेक जी, आज प्रेस वार्ता की है, क्या मकसद है प्रेस वार्ता का? इस प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम जो ये अभियान लेके आए हैं, इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने का हमारा एकमात्र मकसद है, ताकि फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र जो हमारा कवर हो रहा है, उस पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति इससे अछूता ना रहे, जिसको ब्लड के प्रति जागरूकता ना हो और इस कैंप के बारे में जागरूकता। किस संस्था के बैनर तले आप क्या अभियान आपने शुरू किया है? ये अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद संस्था है, जिसकी हम 350 शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा फरीदाबाद है। उस शाखा के अंडर हम इस अभियान को लेके आ रहे हैं और हम इस अभियान को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ी हुई है और हम उसके साथ जुड़ के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दरअसल बनाना नहीं बनाना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम नहीं किया जाता, काम हो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप बन जाया करते हैं, वो वाली बात है। तो हम सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति, ताकि भारत को एक ऐसा देश बनाया जा सके जहाँ पे ब्लड की कोई कमी ना हो, उस प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं फरीदाबाद में? फरीदाबाद में 9 सेंटर अभी तक हमारे फाइनल हो चुके हैं, 10वें सेंटर की अभी हमारी बात चल रही है, हो सकता है वो अगर आज फाइनल होगा तो होगा, नहीं तो 9 सेंटर हमारे कंफर्म है। ब्लड को स्टोर करने की क्या व्यवस्था की गई है? ब्लड हम उसी हिसाब से डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन जो भी हमारे साथ ब्लड बैंक जुड़ी हुई है, उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से उनको सारे सेंटर्स दिए गए हैं। जिस ब्लड बैंक की अगर 200 यूनिट की कैपेसिटी है तो उसको वही सेंटर दिया गया है, जहाँ पे हमारा 200 का टारगेट है, जिसकी 500 की कैपेसिटी है तो उसको वो सेंटर दिया गया है, जहाँ पे हम 500 यूनिट एकत्र करने का टारगेट बना के चल रहे हैं। फरीदाबाद में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? फरीदाबाद में हमने अपने लक्ष्य को 1500 यूनिट पे समेट दिया है। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।